हेलो एंटरप्रेन्योर्स, वेलकम बैक टू DIGATAL डिजिटल खिचड़ी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, यू नो ड्यूरिंग अवर कंसल्टिंग कई लोगों की ऐसी क्वेरीज होती है कि सर हमारा बिजनेस जो है वो यू नो हाई टिकट साइज, हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस है और हमारी 50 लाख 1 करोड़ की यू नो टिकट साइज होती है जनरली फ्लैट्स की, घर की, या तो फिर कई ऐसे बिजनेस होते हैं उनके, वो बोलते हैं कि भाई हमारा तो छोटा सा दुकान है, क्या हमारे लिए डिजिटल मार्केटिंग सही हो सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, चाहे आपका बिजनेस छोटा हो, चाहे आपका बिजनेस बड़ा हो या मीडियम साइज का हो, तो आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग सही है कि नहीं है, उसी के रिगार्डिंग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। अभी चल रहा है 2021, यानी कि इंटरनेट का कंजप्शन इतना बड़ा है, नए इंटरनेट की फैसिलिटीज हमको इतनी इजीली एक्सेसिबल मिल जाती है, डिवाइस स्मार्टफोन काफी चीप रेट पर अच्छी खासी हम फैसिलिटीज के साथ हम यू नो आजकल उसको यूज कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा क्लाइंट है ना, वो काफी डिफरेंट है। हमारे ऑफिस में आने से पहले वो काफ़ी R&D कर लेता है, हमारी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में जान लेता है, हमारी कंपनी के बारे में जान लेता है, हमको पूछता भी नहीं है, और हमारे जो भी सोशल हैंडल्स होते हैं, हमारी वेबसाइट्स होती है, सारी चीज़ वहाँ पे चेक कर लेता है। वो हमारी प्रोडक्ट और सर्विस को लेने से पहले ही हमारे जो कस्टमर्स होते हैं वो यू नो थोड़ा सा अंजम्पशन बांध लेते हैं कि आपकी हमारी प्रोडक्ट को परचेस करना नहीं करना, आपके साथ जुड़ना नहीं जुड़ना, वो सारी चीज़ वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। यानी कि दोस्तों हमारी इसके अंदर आने से पहले हमारा जो प्रोस्पेक्ट क्लाइंट है वो हमको मिलने से पहले वो 50% ऑलरेडी ट्रस्ट डेवलप कर चुका होता है। जी हाँ, यानी कि हमारा 50% ही काम बाकी है उसको कन्विंस करना। तो दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो लेट्स टेक एन सिंपल एग्जांपल कि भाई आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है और आपकी जो फ्लैट की टिकट साइज है वो 1 करोड़ रुपीज है, ठीक है। सो 1 करोड़ रुपये में मुझे कस्टमर जो है उनको यू नो उनका मार्केटिंग ऑपर्चुनिटी क्या हो सकता है, सबसे पहले तो हमको वही देखना चाहिए। जो रियल होता है या तो कोई भी बिजनेस होता है, सबसे पहले हम मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है, आपका समझ लीजिए आपको वीडियोस के व्यूज बढ़वाने हैं, आपका ऐप इंस्टॉल करवाना है, ई कॉमर्स साइट है तो वहां पे यू नो एक ट्रैफिक जनरेट करना है, आपका लीड जनरेशन का भी आपका इंटेंशन हो सकता है, ब्रांडिंग का, रीच बढ़ाने का, कई सारे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग जो हमेशा है वो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद ही आपको करना चाहिए। सो यहाँ पे बात करें, हम रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे समझ लीजिए आपकी 1 करोड़ की फ्लैट की टिकट साइज है और अभी आप क्या कर रहे हो, आपने कहीं ना कहीं यू नो एक ब्रांडिंग या रिच कैंपेन ऑनलाइन में चलाया हुआ है और उसके बाद आपकी जो ऑडियंस है उसको आप वहाँ कहाँ पे ले जा रहे हो, आप अपने लैंडिंग पे यानी कि अपनी वेबसाइट जो है वहाँ पे उनको ले जा रहे हो। अभी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे समझ लीजिए वो यू नो ऑलरेडी ढूंढ रहा था कि मुझे फ्लैट या यू नो एक अच्छा सा घर लेना है, मेरा ड्रीम हाउस है वो मुझे परचेस करना है, तो ऑनलाइन सर्च कर रहा था और सडनली हमारा एडवर्टाइजमेंट उनको दिख गया और उनके बाद वहाँ पे क्लिक करके तुरंत ही हमारे वो लैंडिंग पेज पे आ गया, वेबसाइट पे आ गया। अभी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अभी तुरंत ही यू नो वो वेबसाइट देखने के बाद वो 3 या 4 दिन तक उनका हमारा जो भी कंटेंट रहेगा वो उनको दिखता रहेगा। जी हाँ, वो उसको वो जो स्ट्रेटजी है उनको बोलते हैं रीटारगेटिंग स्ट्रेटजी, यानी कि रीमार्केटिंग स्ट्रेटजी। अभी रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग स्ट्रेटजी से यू नो वो जो भी प्रोस्पेक्ट क्लाइंट हमारा था उनको, जिसको उसका खुद का घर लेना है, ड्रीम हाउस लेना है, उनको यू नो 4-5 दिन तक वो कहीं पे भी विजिट करेगा ऑनलाइन, उनको हमारा ही एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। दोस्तों समझो कि उन जो प्रोस्पेक्ट क्लाइंट है उनको हमारा कंटेंट दिखता रहेगा तो वो कितना हॉट रहेगा आपके लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको यू नो एक बार में ही आपको बिजनेस मिल जाएगा, बट एक ट्रस्ट डेवलप करने के लिए भी आप डिजिटल मार्केटिंग का काफी अच्छा यूज कर सकते हो। अभी यहाँ पे री मार्केटिंग या रिटारगेटिंग स्ट्रेटेजी का यूटिलाइज करके आपका जो 1 करोड़ का फ्लैट है, यू नो आपका जो प्रोस्पेक्ट क्लाइंट है आपकी वेबसाइट का विजिट करने के बाद, आप उनको यू नो 5-6 दिन तक आप उनको ट्रैक करके अपनी जो एडवर्टाइजमेंट है, अलग अलग जो USP है आप अपने कस्टमर को दिखा सकते हो, प्रोस्पेक्ट क्लाइंट को दिखा सकते हो, तो आपके लिए कितना बेनिफिट हो सकता है। यानी कि वो अभी आप उनसे मिले ही नहीं है और 4-5 दिन तक यू नो आपके बारे में सब ज्यादा से ज्यादा वो इंफॉर्मेशन ले रहा है। अभी मैं आपको दोस्तों बात बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया 2021 चल रहा है, यानी कि हमारे क्लाइंट हो काफी एजुकेटेड हो सकते हैं, यानी कि हमारी जो प्रोडक्ट है, हमारी जो सर्विसेज है उनके बारे में आपको मैक्सिमम आपके कस्टमर्स को एजुकेट करना है। आप जितना एजुकेट ज्यादा करोगे उतना आपका सेल करने का, यानी कि आपका सेल होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो मेक श्योर दोस्तों आपकी प्रोडक्ट और सर्विस को मैक्सिमम आपकी जो प्रोस्पेक्ट क्लाइंट है उनको आप एजुकेट करो। सो यहाँ पे मैं आपको दोस्तों क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो इन टर्म्स ऑफ सेल्स यानी कि ट्रस्ट डेवलप करने के लिए भी आप इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो। अभी यहाँ पे समझ लीजिए कि रियल एस्टेट जो बिजनेस है उन्होंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का सहारा नहीं लिया होता, या तो वो स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं की होती और वो वही ट्रेडिशनल वाला चीज वहाँ पे, ऑफलाइन वाला चीज वहाँ पे इंप्लीमेंट करते, तो कहीं ना कहीं वो अपना बिजनेस भी लॉस करते हैं। क्यों?
क्योंकि जो लोग हैं आजकल की जो जनरेशन है वो तो हमेशा टेक्नोलॉजी के साथ चलने वाली है, यानी कि आपको भी अपना बिजनेस भी आगे बढ़ाना है तो टेक्नोलॉजी के साथ ही आपको आगे बढ़ना रहेगा। सो दोस्तों, इस मेरे इस छोटे से वीडियो से मुझे एक ही मैसेज आपको पास ऑन करना है कि आपका कोई भी बिजनेस हो, आपका छोटा बिजनेस हो, आप ग्रुप बिजनेस में फॉलो करते हो, आपका बड़ा बिजनेस, आपका मीडियम साइज का बिजनेस है, बट इनको डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी होती है आपके पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, आपके बिजनेस में, वो अप्लाई करने की स्ट्रेटजी में थोड़ा फेरबदल हो सकता है, बट कहीं ना कहीं आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। यानी कि आपकी 10 रुपए की चीज है या तो फिर आपकी करोड़ों रुपए की चीज है, आपको डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए हमेशा बेस्ट रहेगा। दोस्तों, यदि आपको चीज पसंद आई है तो अपने फ्रेंड, दोस्तों, एंटरप्रेन्योर को जरूर ये चीज आप शेयर करिए, और आगे भी इस तरह से वीडियोस मेरे देखने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड।